हेलो गाइस, मैं हूं नीलू और मेरे चैनल निशु ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्रंची कुरकुरे की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। क्रंची कुरकुरे बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ बाउल राइस फ्लोर लिया है, जिसको मैंने घर पर ही मिक्सी में राइस को पीस कर बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर 2 स्पून हम बेसन यूज़ करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और ये हमारे मसाले हैं, चाट मसाला एंड अमचूर पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर है, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा 1-1 स्पून दोनों ले लिया है। आप चाहे तो केवल मैदा या व्हीट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बेकिंग पाउडर मैंने लिया है, जो कि हम 1 पिंच यूज़ करेंगे। क्रंची कुरकुरे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें राइस फ्लोर डाल देंगे, और फिर हम बेसन को भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों हम डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो केवल मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और साल्ट भी हम डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और बेकिंग पाउडर भी हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जिस बाउल में हमने राइस फ्लोर रखा था, उस बाउल से ही नाप कर हम इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 बाउल पहले हम वाटर डालते हैं इसमें, उसके बाद 1/2 बाउल हम और इसमें डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो हमें इसको पहले डायरेक्ट गैस पे नहीं रखना है, पहले इनको अच्छे से हमको मिक्स करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो घोल है वो रेडी हो गया है। तो अब इसको हम गैस पे रखेंगे। तो गैस पर इस तरह से हम रख कर इसको पकाएंगे। इसको गाढ़ा होने तक हमको पकाना है, और बीच बीच में हमको इसी तरह से चलाते रहना है। इसको हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। तभी आप देख सकते हैं हमारा जो लिक्विड है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और इसको हमें अभी और गाढ़ा करना है। तो इसी तरह से हमको इसको चलाते रहना है, बीच में हमको रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाएंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए हमको इसको सुखाना है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा ये लिक्विड है काफ़ी गाढ़ी हो गई है, थोड़ा सा इसको हम और सुखाएंगे, नहीं तो इससे हमारे कुरकुरे जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको हम और सुखाएंगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उसी फॉर्म में हमको उतना ही इसको सुखाना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसको गैस से उतार लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम। ठंडा करने के बाद इसको हम बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, बस इतना कि हम हाथ पे इसको रख सकें। तो अब इसको हम बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने हाथों में ऑयलिंग कर लिया है, और इस तरह से छोटा छोटा हम बाइट्स लेंगे, और हाथों पे इस तरह से हम रोल करेंगे। तो जो भी शेप आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे आपको जैसे भी पसंद हो उसका शेप आप वैसे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े जैसे भी आपसे बन जाए उसी तरह से हमको इसको बनाना है। तो बाकी के सारे हम इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। तो हम देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, ऐसे आप भी बनाइए। तो आप देखिए मैंने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब ये हम इनको फ्राई करेंगे, ये देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और मैं ये चेक कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो अब गर्म हो गया है, क्योंकि ये तैर के ऊपर आ गया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं, और हम अब इसमें कुरकुरे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम इसमें सारे कुरकुरे डालेंगे, जितना एक बार में आ जाए उतना ही हमको डालना है।
इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुरकुरे डाल दिए हैं और अभी इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो हल्का सा, हमको तुरंत इसको नहीं पलटना है, जब नीचे से हल्का सा टाइट हो जाए तब इसको हम पलटेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से, अभी ये गोल्डन हो चुके हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरी बार भी हम ऐसे ही अपने बाकी के कुरकुरे डालकर इसको फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं गाइस, आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो अब देखिए मैंने ये दूसरी बार का भी निकाल लिया। तो ये हमारे कुरकुरे जो हैं, अभी इनको हमको मसाले डालने हैं। तो इस तरह से मैं एक मिक्सिंग बाउल लूँगी और यहाँ पर मैं कुरकुरे डाल दूँगी और इस पर मसालों की कोटिंग करूँगी। तो मसालों में मैंने यहाँ पे रेड चिली लिया है, कुरकुरे बहुत ही स्पाइसी होते हैं तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ, बाकी आपको जैसा टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। और ये अमचूर पाउडर और चाट मसाला है जिनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इनको भी मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। और स्प्रेड करने के बाद इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से इस तरह से। तभी आप देख सकते हैं कितने चटपटे ये दिख रहे हैं और स्पाइसी लग रहे हैं। तो अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे इस तरह से। बाकी हमारे जो कुरकुरे हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं और ये काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी क्रंची बने हैं। तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कुरकुरे जो हैं वो बना के रेडी भी कर लिए हैं और ये खाने के लिए तैयार है। इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी इसे अपने घर में बनाइए, खाइए और इसका एंजॉय लीजिए। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।